सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव वाली सभी 6 सीट पर जीत के लिए भाजपा ने मिशन उपचुनाव के तहत रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसके लिए भाजपा का पूरा संगठन जुट गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 3 कांग्रेस, 1 भाजपा, 1 RLP और 1 भारत आदिवासी पार्टी की सीट रही है। अब भाजपा सभी सीटें जीतने के लिए जुटी हुई है। इन सभी सीटों पर संगठन व सरकार के बीच तालमेल के साथ ही पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं के कैडर को एकजुट करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर व प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल खुद विधानसभा के प्रभारियों के साथ आज बैठक करेंगे और फील्ड में जाकर फीडबैक भी लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राठौर और प्रभारी अग्रवाल आज को सलूम्बर और गुरुवार को 84 विधानसभा क्षेत्र में संगठन की बैठक लेंगे। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर के साथ ही जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सलूम्बर सीट को जीतने के लिए भाजपा पूरा दम लगा रही है। भाजपा की 6 सीटों में से 1 सीट सलूम्बर थी, जहां विधायक के निधन के बाद अब भाजपा के लिए यह सीट जीतना साख के बराबर हो गया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी खुद बैठक लेकर वहां की स्थितियों को देखेंगे और किसे टिकट देना चाहिए इस पर भी मंथन किया जाएगा। 3 सीटों पर पार्टी ने पहले बैठक कर ली, जिसमें नाराज गुटों को भी साथ बुलाया गया है। वहीं इन बैठकों को लेकर भाजपा से टिकट लेने के दावेदार फील्ड में एक्टिव हो गए हैं। बैठकों के दौरान टिकट के दावेदार नेता बड़ी संख्या में समर्थक लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगा। सभी 6 सीट आदिवासी, जाट व गुर्जर बाहुल्य है। भाजपा के लिए सलूम्बर सीट सबसे मजबूत है, यहाँ पहले ही भाजपा के विधायक थे।